गुड मॉर्निंग क्लास. इन अवर लास्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर. ओके, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग, क्लीनिंग अ पेंट ब्रश, पुटिंग ऑफ फायर. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जहाँ पर आपको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओके, सो नाउ ये सारे वो एक्टिविटी हैं जहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत होती है. ओके, अब पानी की ज़रूरत तो आपने बता दी, लेकिन अब पानी आता कहाँ से ये भी तो बताना बहुत ज़रूरी है ना. क्योंकि जब पानी आपको पता ही नहीं होगा पानी कहाँ से आता है, तो आप कैसे वाटर क्या बोलते हैं ये पानी अपना यूज़ करोगे. जब पानी होगा ही नहीं तो कहाँ से यूज़ करोगे. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. ओके, कहाँ कहाँ से मिलता है आपको वाटर. वाटर रेन से मिलता है. देखिए रेन जो होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है. आजकल तो आपके घर पे पाइप से वाटर आ जाता है ना, कैनाल से आ जाता है. लेकिन जब पहले के टाइम पर ना पाइप्स होते थे ना कैनाल्स होते थे, तो लोग सिर्फ बारिश पर ही आश्रित होते थे, डिपेंडेंट होते थे पानी के लिए. ओके, व्हेन इट रेन्स वाटर फिल अप. जब बारिश होती है तो वाटर पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स इन सबको पूरी तरीके से भर देता है. दिस वाटर इज क्लीन. और ये वाटर बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है. कौन सा वाटर? रेन वाटर. पॉन्ड, लेक और रिवर वाटर क्लीन नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा. बिकॉज वो पानी बहुत सारी जगह से बहता हुआ आता है, तो वो क्लीन नहीं होता. तो लेकिन रेन वाटर जो आसमान से आता है वो बहुत ही क्लीन होता है. लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो फर्स्ट वाटर होता है वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता. क्योंकि पहला जो वाटर जब वो बारिश नीचे आती है तो क्या होता है बेटा, वो अपने साथ बहुत सारे डस्ट और पोल्यूशन को भी साथ में नीचे गिरा देती है. जब पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, उसके बाद जब सेकेंड और थर्ड रेन होती है, वो वाटर बहुत ही क्लीन और पीने लायक होता है. ओके, देन इट इज सेंड टू अवर हाउसेज थ्रू पाइप. उसके बाद उस पानी को हमारे घर पाइप से भेजा जाता है. ओके, वी गेट दिस वाटर फ्रॉम टैप्स. और हमें ये पानी टैप से मिलता है. सम रेन वाटर गोस बिलो द ग्राउंड. और कुछ पानी होता है वो ग्राउंड में अंडरग्राउंड चला जाता है. ओके, वी डिग वेल टू टेक दिस वाटर आउट. और हम क्या बोलते हैं, कुएं खोदते हैं. कुएं किस लिए खोदते हैं? ताकि हम इस वाटर को बाहर निकाल सकें. ओके, सो हेयर यू कैन सी यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश से ये जो पॉन्ड है वो पानी, पॉन्ड में जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया है. जो ये पॉन्ड है वो पूरी तरीके से फिल हो गए. अब गांव में जो लोग हैं, जो जानवर हैं, उन सबको यहाँ से पानी मिल सकता है. ओके, सो ये था कि वाटर के मेन सोर्सेस कौन से हैं. वाटर का मेन सोर्स है रेन, और रेन से पानी कहाँ पे आता है? पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स में आता है. सो इनडायरेक्टली सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर, पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर. ओके, नाउ आप कुआं खोदते हो किस लिए? ताकि आप उसमें से ग्राउंड वाटर को निकाल सको, अंडरग्राउंड वाटर को. बिकॉज लेक्स, रिवर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये सूख जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है. ओके, सो शहर में तो आपको पाइप से पानी मिलता है, लेकिन गांव में क्या होता है बेटा? गांव में आप पाइप से पानी नहीं मिलता है. वहाँ पर क्या होते हैं? कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, यानी कि लेक्स होती हैं, पौंड होते हैं, और रिवर भी होती कुछ विलेजेस में, और हैंडपम्प मेनली जो होता है वो हैंडपम्प का यूज़ करते हैं लोग पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए. और वही पानी वो पीते हैं. उनके पास ना फिल्टर होता है ना कुछ भी होता है उस पानी को क्लीन करने के लिए. ओके, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट क्लोज द टैप आफ्टर यूज़. हमें टैप को यूज़ करने के बाद उसे क्लोज कर देना चाहिए. वी मस्ट टेक ओनली एज मच एज वाटर इन अ ग्लास एज वी वॉन्ट टू ड्रिंक. हमें ग्लास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हम पी सकें. ओके, सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ गर्ल. शी इज ड्रिंकिंग वाटर. बट वो क्या कर रही है? वो उतना ही पानी अपने ग्लास में लेके जितना उसे ड्रिंक करना है. ओके, वी मस्ट कलेक्ट रेन वाटर. हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए. वी कैन यूज इट टू वॉश वेजिटेबल. लेकिन
आप रेन वाटर को कलेक्ट को तो कर सकते हो, जैसे आपकी छत पे पानी आता है तो आप एक पाइप लगा दीजिए और उस पाइप का जो कनेक्शन है वो आप एक टैंकर में रख सकते हैं, जिससे कि जितना भी रेन वाटर है वो आपके टैंकर में इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन क्या वो पानी पीने लायक है? नो, वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपकी छत से आ रहा है। तो उस पानी को आप अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेजिटेबल वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए और प्लांट को वाटर देने के लिए आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फिल्टर का, आजकल तो प्योरेट है, आरओ है, इनका यूज़ करके और उस पानी को आप पीने लायक भी बना सकते हो। ओके, सो समरी ऑफ द चैप्टर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हमें इन सब एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत होती है। रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड, लेक एंड रिवर। रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है पॉन्ड में, लेक्स में एंड रिवर्स में। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, और हमें वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज वी हैव डन विद दिस चैप्टर। इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर।